Hello students, today I am discussing the MCQs of poem The Squirrel, class 7th. First of all, who is the poet of the poem The Squirrel? Dizzy Enright, Frank Flynn, Mildred Bowers Armstrong, Michael Rosen. The right answer is Mildred Bowers Armstrong. Inka naam bachcho kai baar M.B. Armstrong भी लिखा होता है तो दोनों ही सही होंगे. In the poem, he refers to whom? इस कविता में he किसके लिए प्रयोग में लाया गया है? Squirrel, poet, child, schoolboy. Right answer is squirrel. यहाँ कवि ने squirrel को ही बोला है. What do you understand by the word war? War शब्द से आप क्या समझते हैं? Past form of the wear, पहनना शब्द को भूतकाल में प्रयोग करना. Get dressed, कपड़े पहनना. Put on, डालना. All of the above, या तीनों ऑप्शन सही हैं. The right answer is all of the above. तीनों ही war शब्द के लिए सही हैं. Who wore a question mark for the tail? किसने प्रश्नवाचक चिन्ह को पूंछ पर पहन रखा है? Cat, squirrel, tiger, monkey. The right answer is squirrel. What would the squirrel like to eat? गिलहरी को क्या खाना पसंद है? An orange, an apple, a nut, a plant. Right answer is a nut. गिलहरी को अखरोट खाने पसंद होते हैं. In what posture squirrel was eating a nut? गिलहरी किस स्थिति में अखरोट खा रही थी? Dancing, नाचते हुए. Upside down, ऊपर से नीचे की तरफ उल्टा होकर. Straight, सीधी. Nicely, ठीक रूप से. The right answer is straight. गिलहरी अपने दो पांव पर खड़े होकर नट खा रही थी. What is the squirrel's hobby? क्या गिलहरी का क्या शौक है? Eating nuts, अखरोट खाना. Only playing, केवल खेलना. To do some funny tricks, कुछ मजाकिया. चालें चलना. To dance around the trees, पेड़ों के चारों तरफ नाचना. The right answer is to do some funny tricks. उसे मजाक करना अच्छा लगता है. Why does the squirrel sit up straight? गिलहरी सीधी क्यों बैठी है? To attack his enemy, अपने शत्रु पर आक्रमण करने के लिए. To take rest, आराम करने के लिए. To eat a nut, एक अखरोट खाने के लिए. None of these, या इनमें से कोई आंसर नहीं है. The right answer is to eat a nut. What are the qualities of a squirrel's tail? गिलहरी की पूंछ में क्या विशेषताएं होती हैं? क्वाइट स्ट्रेट, बिल्कुल सीधी होती है. स्लाइटली बेंट टेल, थोड़ी सी मुड़ी हुई पूंछ होती है. हेयरलेस, बाल नहीं होते हैं. कर्व्ड एट द एंड, पिछला सिरा मुड़ा हुआ होता है. द राइट आंसर इज कर्व्ड एट द एंड, पिछला सिरा मुड़ा हुआ होता है. To whom squirrel is teasing in the poem? इस कविता में गिलहरी किसको चिढ़ा रही है? The children, बच्चों को. Another squirrel, दूसरी गिलहरी को. The poet, कवि को. School boys, विद्यालय के लड़कों को. The right answer is the poet, कवि को चिढ़ा रही है. How The squirrel is teasing the poet. और वो किस तरह से कवि को चिढ़ा रही है? By dancing, नाचकर. By making noises, शोर मचाकर. By roaming, इधर उधर घूमकर. By playing hide and seek, छुपम छुपाई का खेल खेलकर. The right answer is by playing hide and seek. Is squirrel agile? क्या गिलहरी फुर्तीली होती है? Yes, no, maybe, do not know. The right answer is yes.
व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ स्ट्रेट? सीधे का विपरीतार्थक शब्द क्या है? नॉर्मल, कर्व्ड, लीगल, स्मॉल। द राइट आंसर इज कर्व्ड। फ्रॉम होम स्क्विरल कीप्स इटसेल्फ एट अ डिस्टेंस। गिलहरी किससे दूरी बनाकर रखती है? रोड, इंसेक्ट्स, ह्यूमन, डस्ट। राइट आंसर इज ह्यूमन। इफ वी रैन अराउंड हिज ट्री व्हाट डज ही डू? यदि हम गिलहरी के पेड़ के चारों ओर दौड़ेंगे तो वह क्या करती है? वेंट द अदर वे, दूसरे रास्ते चली जाती है। केम टूअर्ड्स अस, हमारे पास आती है। ट्राइड टू कवर हिम अप विद लीव्स, अपने आप को पत्तों से ढक लेती है। स्टार्ट टू डांस, नाचना शुरू कर देती है। द राइट आंसर इज वेंट द अदर वे, दूसरे रास्ते चली जाती है। एट द लास्ट थीम ऑफ द पोयम, इस कविता के द्वारा हमें क्या समझ आया? टू इंटेंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉल क्रिएचर्स, कवि ने इस कविता के द्वारा छोटे जीवों की महत्ता के बारे में प्रकाश डाला है। एंड नेचुरल सर्वाइवल ऑफ अ टाइनी क्रिएचर, और कैसे एक छोटा सा जीव अपने प्राकृतिक परिवेश में रहता है, जीवन यापन करता है, इस पोएम के द्वारा हमें सीखने को मिला। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड कमेंट इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी, एंड ऑल द बेस्ट फॉर गुड मार्क्स। ओके, बाय स्टूडेंट्स।